नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. कैन एनीवन रीड द टेक्स्ट बुक? क्या करेक्ट ऑप्शन ही लिखा ना? हाँ करेक्ट ही है. यस करेक्ट ही है. फिनॉल, फिनॉल इज गेटिंग ट्रीटेड विद द H2SO4. मतलब ये क्या कर रहा है? सल्फोनेशन कर रहा है. क्या कर रहा है? सल्फोनेशन. अच्छा कंडीशन क्या है सल्फोनेशन की? कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है? कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है. अच्छा अभी इसमें कैसा है कि आपको H2SO4 के साथ साथ में कुछ और भी चाहिए था सल्फोनेशन करना है. अब ये जो है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन तो डाइल्यूट कंडीशन में कभी पॉसिबल ही नहीं है. H2SO4 में इसने जो अटैच किया है ये क्या है आपका? एरो के ऊपर कुछ लिखा है क्या उसने? यस यस. आपने नोटबुक में देखो ना, नोट्स में देखो ना. हम लोग पीडीएफ दिए. अच्छा तो ये टेम्परेचर है शायद से सर. टेम्परेचर क्योंकि रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे इसका प्रोडक्ट दो मिलता है, ऑर्थो पैरा मिलता है. हाँ ऐसा है. लेकिन जो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो ऑप्शन डी दिख रहा है. वो 100% श्योर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4. ये तुम्हारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है तो ये पिक्री का एसिड बना के दे देगा. ये श्योर एंड शॉर्ट है. ठीक है. सो यहाँ पे जो है 57 का डी जो है वो 100% करेक्ट लग रहा है. सर सी का बताओ ना सर, पिक्रिक एसिड कैसे बनाया? पिक्रिक एसिड कैसे बना? इसका मैकेनिज्म नहीं है अपने पास. जैसे नाइट्रेशन होता है ना वैसे ही समझ ले, एक बता देता हूँ. देख अभी ये जो एनओ HNO3 है, HNO3 का एक्सेस में लगेगा ना ये? यस HNO3 एक्सेस में. हाँ वो कैसा है कि तीन बार रिएक्ट कर रहा है इसके लिए. एक्सेस में भी लिखेगा ना तभी भी चलेगा, वो अंडरस्टूड है. कॉन्सेंट्रेटेड दोनों होना चाहिए, H2SO4 और HNO3. तो H2SO4 प्लस HNO3 आपस में रिएक्ट करते हैं और NO आपका 2+ का फॉर्मेशन करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कॉल दिस एज इलेक्ट्रोफाइल. ओके यस सर. नाउ क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाते हैं हम लोग. इसका सैलिसिलिक एसिड बनेगा. सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. यस यस सैलिसिलिक एसिड. बहुत बढ़िया. कार्बोलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनॉल. फिनॉल मतलब फिनॉल रिएक्शन. हाँ बहुत बढ़िया. पहला स्टेप में क्या होगा ये बताइए. एक्स विल बी व्हाट? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा. फिनॉक्साइड आयन. हाँ वेरी गुड. फिनॉक्साइड इसे रिएक्ट करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सी डबल बॉन्ड ओएच. अब आप इसके ऊपर पास कर रहे हैं CO2 एंड एसिडिक मीडियम में. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू सैलिसिलिक एसिड. एसिड यस. वेरी गुड. टेक्स्ट बुक का ही रिएक्शन है ये. 59 का भी आएगा. 59 कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. यस वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एज अ इलेक्ट्रॉन सर्चिंग बनता है. इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है तो ये देखता है भाई फिनॉल है यहाँ पे. तो फिनॉल के पास ये वो नेगेटिव होता है तो इसके ऊपर प्रोटोनेशन हो जाता है. फिर ये फिनॉल के पास तुम्हारा जो अपना पाई बॉन्ड है ये अटैक मारता है इसके ऊपर और ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है. तो दैट लाइक कार्बोली अपना सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक हो रहा है इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे काम करता है. क्वेश्चन नंबर 60 भी आना चाहिए. रेमर-टेमन रिएक्शन. रेमर-टेमन रिएक्शन. अच्छा वेरी गुड. रेमर-टेमन रिएक्शन का ये हो गया. कॉल्बे का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. शटलक्राफ्ट का क्या होता है? HCl3. मारेगा पगले. वो तो तेरा लुईस एसिड है. इसमें उसने अगर पूछ लिया व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, शटलक्राफ्ट में मतलब क्या होता है? ये होता है ये ना R बॉन्ड C डबल बॉन्ड
ओ बॉन्ड सी एल सी एल असाइल क्लोराइड होता है. बहुत बढ़िया. तो असाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है इसके साथ में और ये फॉर्म करता है. यस सर. इसमें ड्राइव कर रिपीट करो ना. क्या बोल रहे हो? ये रिपीट करो ना लास्ट वाला स्टेप. देखो इसने मान लो अगर वो बोले फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन में क्या इंटरमीडिएट बनता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सी एल लेते हैं. ये असाइल क्लोराइड है. Yes. जब इसका रिएक्शन होगा ए एल सी एल थ्री के साथ में तो इसका तीन लोन पेयर है. एक लोन पेयर एल्यूमिनियम के पास जाएगा और यहाँ से सी एल निकल लेगा. एल्यूमिनियम के पास सी एल के पास लग जाएगा कितना बॉन्ड? दो बॉन्ड. तो सी एल जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है. इसको पॉजिटिव आ जाता है, इसको नेगेटिव आ जाता है. तो अभी क्या होगा ये हाँ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर अंदर आएगा और ये बॉन्ड टूट के निकल जाएगा. टूट के आएगा. यस सर. तो फाइनली अपने को क्या मिला? वी आर लेफ्ट विद दिस आर सी ट्रिपल बॉन्ड ओ ट्रिपल बॉन्ड ओ विद अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. यस. ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. अभी मेरे को ये बताइए उसके जो नीचे दिया है उसका क्या इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है? फिटिंग रिएक्शन. याद आ रहा है फिटिंग रिएक्शन? यस सर. यस सर. क्लोराइड और एक बेंजीन रिंग का ऐड करके फिनाइल बना के देता है वो. फिटिंग रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेडिकल बन सकता है क्योंकि वहां पे मेटल का इन्वॉल्वमेंट है. वर्ड्स रिएक्शन होता है. हां वर्ड्स की ऐसा ही है. इधर ड्राई इथर भी लगेगा. हां ड्राई इथर भी लगेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म. ये दिमाग में घुस गया. रिएक्शन विद फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए? रेमर टेमर रिएक्शन. तो रेमर टेमर में जो है विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज गेटिंग इंट्रोड्यूस. कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे आया था? CHO आएगा सर. CHO. वेरी गुड. जो आपका फाइनली जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर आप एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दे. एल्डिहाइड. अच्छा. अब ये क्वेश्चन 62 रिपीटेड क्वेश्चन है तो बोलो इसका आंसर क्या होना चाहिए. डाइक्लोरोकार्बीन. वेरी गुड. ये नीट का क्वेश्चन है. कौन से साल पूछा है? 2018 में पूछा है. हाँ 18 में भी पूछा और 19 में भी ऐसे ही कुछ तो मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा था. चलो 63 का जरा देख लेते हैं. बीच में कार्बोलिक एसिड है. कार्बोलिक एसिड के अंदर मैंने ऐड कर दिया जिंक. देखो फिनॉल के अंदर कभी भी जिंक ऐड करोगे ना तो बेंजीन मिलता है. यस बेंजीन मिलेगा प्लस ZnO प्लस. ये अगर आप फिनॉल ले लेते हैं और इसके अंदर आप ऐड करते हैं जिंक पाउडर तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और इसको बना देगा बेंजीन. बेंजीन. यस. आइडेंटिफाई बी. बी इज अ बेंजीन. बेंजीन आपको ऑप्शन किसमें दिया है? डी में दिया है. और डी ऑप्शन डी में. और कहीं दिया है नहीं उसने? कंफ्यूज. नो. यस. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. और आगे वाला मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा. कार्बोलिक एसिड के बगल में क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? Cr2O7. अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और फीटोन बना देगा तो बेंजोक्विनोन. हाँ बन सकता है. सर वो बेंजोक्विनोन का बताना. यस सर. बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा. Yes. जब इसको तुम ऑक्सीडाइज करेगा बिकॉज फिनॉल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा. यस. अभी देखो मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट अब डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी तक मैंने वहां तक मैं पहुंचा नहीं. एल्डिहाइड कीटोन में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. मैं लास्ट ईयर का जो बैच था उसमें मैंने डिस्कस किया था इसका दिस क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए. अल्कोहल एंड फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. बोलिए. एक तो बताया था मैंने न्यूट्रल एफसीएल. न्यूट्रल एफसीएल 3. न्यूट्रल एफसीएल 3 से मतलब क्या है? तुम्हारा फिनॉल ही रिएक्ट करेगा. अल्कोहल करने वाला नहीं है. करेक्ट. ब्लूइश कलर देगा.
हाँ ब्लूइश और ग्रीनिश कलर देता है. थर्ड रिएक्ट करेगा. थर्ड किस किस ऑप्शन में दिया है? हाँ बी में दिया और डी में. बी और डी में दिया है सर. डी नहीं आएगा सर, बी आएगा. बी सर ब्रोमीन मेटल के साथ दोनों रिएक्ट करेगा. क्या बोल रहा है बेटा? ब्रोमीन वाटर के टेस्ट हो सकता है. ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ब्रोमीन वाटर जो है ये सेकंड वाला बोल रहा ना तू? यस यस. तो सेकंड वाले को ब्रोमीन के साथ में जब तुम टेस्ट करोगे तो फिनॉल का रिएक्शन जाएगा, अल्कोहल का नहीं जाएगा. यस सर. टू फोर ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल आ सकता है या पैरा ब्रोमो फिनॉल आ सकता है. समझ आ रहा है? अल्कोहल पे कैसा रिएक्ट करेगा ब्रोमीन? उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा, रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा. रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा. यस. तो ब्रोमीन भी काम कर सकता है. और जब आप सोडियम मेटल जो है ना, सोडियम मेटल बेसिकली देखा जाए तो वो फिनॉल इज मोर एसिडिक. फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो फिनॉक्साइड आयन बना सकता है मोर इजीली. सो डायजोनियम सॉल्ट, एक दो तीन चार नंबर. डायजोनियम सॉल्ट दोनों के साथ रिएक्ट करता है, अल्कोहल और फिनॉल के साथ? नहीं नहीं, डायजोनियम इसके अलावा वो हम लोग एनिलीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं. एनिलीन. यस यस सर. सर वो फिनॉल के साथ रिएक्ट होता है पर अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं होता. हां क्या बोल रहे हो? डायजोनियम सॉल्ट फिनॉल के साथ रिएक्ट होता है ना? डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए तुमको एनिलीन लेना पड़ता है, रिएक्ट कराने के लिए तुम रिएक्ट करा सकते हो. यस ऐसा है. सो डायजोनियम सॉल्ट मिल गया है तो दो नंबर तीन नंबर कंफर्म है. If you go with NaOH, NaOH भी ये बेस है तो ये क्या कर सकता है? ये आपका फिनॉक्साइड आयन बनाएगा. फिनॉक्साइड आयन बना सकता है. देखो सोडियम मेटल दोनों से रिएक्ट करेगा, अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा और फिनॉल से भी. इंटरमीडिएट अलग रहेगा. इंटरमीडिएट दोनों जगह पर भाई अल्कोक्साइड आयन ही बनेगा. ऐसा है. तो यहाँ पर दो तीन चार किसमें दिया है? ऑप्शन बी. बी ऑप्शन. सर वो फोर्थ में कैसे डिस्टिंग्विश होगा बताओ ना. इधर देखो ये फिनॉल है, इसमें जब तुम ऐड करोगे NaOH. यस. तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना के देगा ना? सोडियम फिनॉक्साइड. यस. वो माइनस देगा. और जो तुम्हारा अल्कोहल में ऐड करोगे सोडियम अल्कोक्साइड देगा. सोडियम अल्कोक्साइड बना के देगा. सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा वो पहले रिएक्ट कर लेगा. ऐसा है. रेट ऑफ रिएक्शन का फास्ट होगा बिकॉज दिस इज मोर एसिडिक. नंबर 65. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये शायद कर लिया था हम लोगों ने. यस 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 ये हमने किया था. फिर भी किसी को डाउट है तो बोल सकता है वो. देखो इसके अंदर मैंने शॉर्टकट ये दिया था कि जो आपका उसने प्रोडक्ट क्या बनाने को बोला हमको, टू फिनाइल हेक्सेन टू ऑल. टू फिनाइल हेक्सेन टू ऑल मतलब छह कार्बन बना लो. 1 2 3 4 5 6. अब दो नंबर पे ही फिनाइल लगा दो. अब दो नंबर पे ये OH पे नंबर पे ही OH लगा. OH. यस. तो आप इसको दो तरीके से टैकल कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6. तो अभी क्या करो ना, छह कार्बन का ये ले लो, कीटोन ले लो. तो ये कुछ ऐसा हो सकता है सी वाला. हाँ 1 2 3 4 5 6 ये हो गया. तो अभी जो ग्रिग्नार्ड का आर होता है ना वो हम लोग सीधा इसको चिपका देते हैं सीओ के सी को. यस सीओ का सी है. मान लो ग्रिग्नार्ड का तुमने लिया यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है, तो अभी ये वाला पार्ट सीधा का सीधा जो आएगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा सेकेंड कार्बन पे और ये OH हो जाएगा. तो फाइनली वी आर गेटिंग दिस स्ट्रक्चर सी. यस सर. यस. ओके सो सी इज द करेक्ट वन. बाकी सब में थोड़ा कार्बन का हेर फेर हो जाएगा. ठीक है. तो
तो उसकी वजह से पहले सबसे पहला काम क्या करने का, नंबर ऑफ कार्बन चेक करने का ऑप्शन में, इसमें कम ज़्यादा दिया है क्या, तो वो एलिमिनेट पहले ही हो जाता है, फिर उसके बाद चेक करने का भाई हाँ किसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, देन यू गेट द करेक्ट वन। ठीक है? यस सर, समझा। क्वेश्चन नंबर 66, ये फिनॉल, इसका डेटॉल के बारे में पूछा है। डेटॉल इज एंटीसेप्टिक, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल, से बनाते हैं फिनॉल। फिनॉल, ठीक है। एंड इसमें जो है एक बार क्वेश्चन पूछा था, सीईटी में पूछा था कि डेटॉल का मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग इधर लिख लेना आप लोग, टर्पिनियॉल और ये रहता है क्लोरोक्सिलिनॉल, लिख देता हूँ। फिनॉल डेटॉल जो होता है, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ टर्पिनियॉल, टर्पिनियॉल प्लस क्लोरोक्सिलिनॉल। ठीक है, सीटी में पूछा क्लोरोक्सिलिनॉल। तो ये लोग पूछते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर्स पूछे गए, स्ट्रक्चर नहीं पूछा, वो सब नहीं आया। ठीक है, ओके। तो ज्यादातर तो टर्पिनॉल की मात्रा होती है, कम मात्रा होती है क्लोरोक्सिलिनॉल की, लगभग 5% होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ज्यादातर इसमें टर्पिनॉल होगा, एक प्रकार का ऑयल है, जैसे आपका ये होता है ना कैस्टर ऑयल होता है, पाइन ऑयल होता है, वैसे ही बाकी टर्पिनॉल है, बट उसके अंदर जो किलिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें क्लोरीन या सल्फर रहता है ना, वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को मार देते सीधा, अरेटिंग। तो क्लोरोक्सिलिनॉल की मात्रा लगभग 5% होती है, अगर वो पूरा का पूरा ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो डेटॉल जो है वो बन जाएगा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का और एंटीसेप्टिक में ये डिफरेंस है कि डिसइंफेक्टेंट जो है वो लिविंग सेल को भी मार देता है, और एंटीसेप्टिक ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारता है। तो डेटॉल हम लोग स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन लाइजॉल नहीं लगा सकते, लाइजॉल से भी तगड़ा है, इट विल किल द लिविंग सेल्स ऑल्सो। ठीक है, यस, गो ऑन द नेक्स्ट वन। 67, just let me clear all this thing. Ethers are different from their corresponding isomeric monohydric alcohol. Absence of replaceable active hydrogen. ओके, और ऑक्सीजन तो दोनों में होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम रहेगा, ये सेम हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन सेम है। हाँ ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ रिप्लेसेबल एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन किसमें होता है, अल्कोहल्स में रहता है, अल्कोहल, वेरी गुड, बिकॉज ओएच, ठीक है, ओएच का ओएच की बात कर रहे हैं। This question. Common name of this compound. एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो इसका ना कॉमन नेम बोल दीजिए। ये पहले आता है फिनाइल इथाइल, फिनाइल इथाइल, फिनाइल इथर, इथाइल इथाइल, फिनाइल इथर। हाँ, देखो अल्कोक्सी एल्केन जो है वो ईथर का नाम लिखने का पैटर्न है। When you want to write down the IUPAC name for an ether, तो उसका एक अपना एक पैटर्न होता है, तो पैटर्न ये है अल्कोक्सी एल्केन करके, अल्कोक्सी एल्केन इज द पैटर्न। ठीक है, तो अभी अल्कोक्सी एल्केन में कैसा हो जाएगा कि देखिए जो छोटा वाला पार्ट है उसको अल्कोक्सी बना दो और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको एल्केन बना दो। अब इसने बोला एक साइड में इथॉक्सी, मतलब दो नंबर पे इथॉक्सी चिपकाया है उसने, सर डी ऑप्शन आएगा। अच्छा डी आएगा, 1 2 1 2 3। अच्छा सी वाले में क्या प्रॉब्लम है बेटा, वो भी सेम
मारेगा सर वो ब्रांचड है वो सी वाला डी वाला भी तो ब्रांच है सर वो टू नंबर पे इथॉक्सी लगाया डी वाले में और सी वाले में सर थ्री नंबर पे लगाया वो सी नंबर पे सी वाला थ्री नंबर पे लगाया यस और डी नंबर पे दो नंबर पे लगाया दो नंबर पे लगाया है अभी समझा तुमको इसका राइट ऑप्शन डी है दो नंबर पे इथॉक्सी आएगा यस यस डैश इज द एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन स्ट्रक्चर मालूम है क्या सर पेंटेन जैसे रहता है और नीचे वाले इसमें ऑक्सीजन लगता है यस सर डबल नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक टीएचएफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ठीक है अभी टीएचएफ यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा यस यस टीएचएफ डबल बॉन्ड भी आता है यहाँ पे अभी ये जो है वन टू थ्री ये एरोमेटिक है बेटा नॉन एरोमेटिक किसने बोला एरोमेटिक है सर हाँ दिस इज एन एरोमेटिक स्ट्रक्चर टीएचएफ एक मिनट रुक जा इसका नाम ऑक्सीजन नहीं 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 बराबर बराबर ये टीएचएफ में डबल बॉन्ड नहीं जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये तुम्हारा टीएचएफ है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ठीक है सो दिस इज नॉन एरोमेटिक ये जो डबल बॉन्ड बना था ये जो है पायरेन में हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं फ्यूरेन हाइड्रोबोरेशन में यही यूज करते हैं नहीं नहीं हाइड्रोबोरेशन में हम लोग ये यूज करता है टीएचएफ यूज करता है ये सर वो नीचे वाला ना जो डबल बॉन्ड नहीं है ये यूज करता है यस यस नाउ क्वेश्चन नंबर 71 ईथर का प्रिपरेशन है बोलिए फटाफट सब टेक्स्टबुक का क्वेश्चन है कंटीन्यूअस इथरीफिकेशन मतलब अल्कोहल में से अल्कोहल दो अल्कोहल को कंबाइन करके पानी निकाल दो दैट इज अ इथरीफिकेशन सो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन यस दो मॉलिक्यूल के बीच में से वाटर निकालना दैट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन क्वेश्चन नंबर 72 सर इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों नहीं है इंटर तुमको पता है पहले ये बताओ यस सर इंटर मतलब बिटवीन इंट्रा मतलब विद इन जिसने डाउट पूछा उसको पूछने दो बोलो तुम अगर अल्कोहल के अंदर से पानी निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट सर एनिजोल मिलेगा एनिजोल मिलेगा अल्कोहल के अंदर से पानी निकालोगे एनिजोल मिलेगा कहाँ से देख के बोल रहा बेटा हाँ नहीं समझा तो बोला कैसे एनिजोल कोई मुझे बताएगा अल्कोहल के अंदर से पानी निकालेंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट Anyone, if you remove the water from an ether, what you're going to get? ये question काफी बार discuss हुआ है, इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। बोलिए बोलिए, alcohol को अगर गर्म कर दिया तो alcohol किसे H निकलता है, carboxylic acid से वो H निकलता है, H2 बनता है और वो ether दे देते हैं। नहीं मैंने क्या पूछा? Alcohol के अंदर से अगर मैंने पानी निकाला, एक ही alcohol के अंदर से पानी निकाला तो वो intramolecular dehydration हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes. Yes. प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये पूछ रहा हूँ मैं हाँ सर वो CH2 दे देगा लोगों पकड़ के मारूंगा मैं भी दिस इज द इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन अल्किन देगा अल्किन ये तुमको इथीन दे देगा ठीक है यस यस सर अल्किन देगा तुमसे तो पूछ रहा हूँ सो रहे हो क्या ये इथाइल अल्कोहल का दूसरा इथाइल अल्कोहल के साथ में कॉम्बिनेशन हो गया दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन अगर टेंपरेचर इज 413 अगर यही टेंपरेचर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये बन जाएगा कुछ और अल्किन देगा यस अल्किन बनेगा अल्किन मतलब यही टेंपरेचर के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन किया ना तो ईथर है 423 किया तो वो कुछ और हो जाएगा यस सो दिस इज CH3CH2 ओ CH2CH3 डाइथाइल ईथर
डाइथाइल ईथर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 72 क्विकली आप लोग बताएंगे. सर एनिसोल देगा. सर इसके अंदर वो ये भी होता है क्या, मिथेनॉल और फिनॉल को ट्रीट किया तो मिथेनॉल मिथेनॉल भी कंबाइन होगा? इधर लास्ट डी ऑप्शन में दिया है मिथॉक्सी मिथेन डाइफिनाइल एथर, वैसा वो सिमेट्रिक भी बनेगा क्या? एंड मिथेनॉल एंड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ये फोर. ओके रुक जा, रिएक्शन लिखता हूं मैं. यू हैव टेकन द मिथेनॉल CH3OH और उसके अंदर क्या मिला दिया मैंने, फिनॉल. तो हाँ आपने टेम्परेचर क्या किया, ये देखो कैसा ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन वाला सीन हो गया. टेम्परेचर 413 है ना. yes. तो अभी ये क्या कर सकता है, ये आपस में ही रिएक्ट कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है. समझ में आ रहा है? तो देख दो फिनाइल आपस में रिएक्ट कर लेगा, पहले ये दोनों का रिएक्शन करा देता हूँ तो तुमको क्या मिलेगा, एनिसोल देगा. हाँ OH और H निकाल दो, सो यू आर गोइंग टू गेट दिस. अभी ये जब सेल्फ में कर लेगा, मिथाइल और मिथाइल आपस में रिएक्ट कर लेगा तो तुमको मिथॉक्सी मीथेन दे देगा. मिथॉक्सी मीथेन और वैसे डाइफिनाइल ईथर भी मिलेगा. डाइफिनाइल ईथर भी मिलेगा. यस ठीक है. तो हमको यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी मिल रही है प्रोडक्ट की. डी ऑप्शन आएगा. डी ऑप्शन. हाँ डी ऑप्शन. यस करेक्ट. डाइफिनाइल ईथर. नाउ 73 बताइए. सेवेंटी थ्री में क्या हो रहा है, ईथर से क्या बना, अल्कोहल से ईथर बना रहे हो, मतलब आपने एच को हटाया है, उस एच की जगह पे किसको लेकर आ गए? ये SN2 होगा क्योंकि बैक साइड अटैक. हां बैक साइड अटैक. फॉर्मेशन इज लाइक अ SN2 रिएक्शन. सर रिपीट करो ना 73. इधर देख, अब ये जितना भी ईथर फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये सब में सब ईथर फॉर्मेशन ही है ना. yes. ये वाला और ये वाला तीनों ईथर फॉर्मेशन होगा. अभी इसमें क्या होता मालूम है क्या, आगे से देख CH3O bond this plus CH3O bond this. अभी क्या होता मालूम है, इसके ऊपर जब तुम प्रोटोनेशन कर दोगे, इसको पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये भाई अटैक मारता है इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर मारता है और यहाँ से ये निकल जाता है. तो ये दोनों जो सिलसिला ये पैरेलल होता है, इसके लिए इसको SN2 बोलते हैं. ऐसा नहीं कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना लेगा फिर अटैक मारेगा, ऐसा नहीं होता है. देयर इज अ ब्रेकिंग एंड द मेकिंग अ बॉन्ड हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में हो रहा है इन द केस ऑफ ईथर फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई इट इज SN2 मैकेनिज्म. यस सर. यस सर. क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 एवरीवन विल ट्राई एंड टेल मी. You want to get a tertiary butyl ethyl. एक जगह पे tertiary butyl है, एक जगह पे ethyl है और बीच में ये है. ठीक है. हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सही है. मेरे को रीजन भी चाहिए जो एक्सप्लेन करेगा मेरे को. Anybody? किसी को आ रहा है? अरे भाई नोटबुक निकालो सब लोग. नोटबुक में पहले लिखो. आपका मैं हिंट दे देता हूँ, जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है वो बल्कि नहीं होना चाहिए. अगर वो बल्कि हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. दैट शुड नॉट बी द बल्कि वन. बस इतना मैं हिंट दे सकता हूँ. ओके गिव मी वन सेकेंड.
किसी को आया इसका जवाब? सर बी आएगा इसका, बी आएगा। चलो ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था कि ओके सर ए नहीं आएगा क्या? ए क्यों नहीं आएगा बेटा? सर थर्ड ब्रूटल ए आएगा क्या? ए क्यों आएगा ये बताओ तुम। सर इसमें से ओ माइनस एक सी एच थ्री सी ओ माइनस बन रहा है और एक सी एच टू सी एच थ्री प्लस बन रहा है, तो हीट किया तो एन ए बी आर निकल जाएगा यहाँ से। तो एन ए बी आर तो जरा बी से भी निकल जाएगा ना बेटा। सर हाँ, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है वो बल्कि ए में। अच्छा किसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है बेटा? CH3CONA। आगे लेके जो पहले लिखा रहा था उसके ऊपर बल्कि थोड़ा ना बता, वो लोग कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड इज अ सबस्ट्रेट एंड अल्कोक्साइड इज अ बेस व्हिच इज गोइंग टू मेक एन अटैक और न्यूक्लियोफाइल यू कैन कॉल हियर। तो जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है वो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है। तो मैंने पहले ही बोला सबस्ट्रेट जो है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, सबस्ट्रेट शुड नॉट भी बल्कि। सर ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड है किसी एस्टरीफिकेशन के लिए? एस्टरीफिकेशन वैसे देख नॉर्मली यही है, जिसके ऊपर तुम रिएक्शन करना चाहते हो ना वो बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर वो बल्कि है तो वहां पे एलिमिनेशन की प्रोबेबिलिटी बन पड़ जाती है। यस। तो अभी यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो प्राइम ए वाला है ना उसमें इथाइल ब्रोमाइड है जिसके ऊपर रिएक्शन होगा। बी वाला क्या टर्शरी है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर जब आप अटैक करवाओगे इथोक्साइड आयन का तो वो क्या करेगा, वो सब्स्टिट्यूशन करने से प्रीफर सोचेगा मैं एलिमिनेशन करवा देता हूं। एलिमिनेशन यस यस। तो ये दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो हमको मिलेगा आइसोब्यूटीन। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटीन। बी वाले का आइसोब्यूटीन मिलेगा क्योंकि ये बल्कि है। तो ये जो तुम्हारा बी आर जिस कार्बन को लगा हुआ है, अच्छा मेरे को ये इसका आंसर तुमने आइसोब्यूटीन ही बोला था ना? मेरे को आंसर किसी ने बोला था ए है, किसने बोला था ए? एक ए और बी मेरे को दो ही सुनाई दिया, ए किसी ने जन बोला और किसी ने बी बोला, किसने बोला था बताएगा कोई? शुभम या इसमें से किसी ने देख नहीं बोला था? सर मैंने बी बोला। तुमने बी बोला था, ओके। बी तो नहीं है तो बल्कि हो जाएगा। हाँ तो बी वाला क्यों नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है ना वो बल्कि है। तो ये सबस्ट्रेट आयन जो है बी आर को हटा के अपनी उसकी जगह पे नहीं आ सकता, उसकी जगह पे उसको आने के लिए जो साइड में मिथाइल है ना इसको थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा या तो ये हट ही जाए यहाँ से, तो ये वो पॉसिबल है। सर एल्कीन कैसे बनेगा? एल्कीन कैसे बनेगा वो नहीं समझा तुमको, इधर देखो बी का बी आर जो है इधर अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो अभी ये जो इथोक्साइड आयन है ये क्या करके बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकाल लेता है, उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेल के बी आर को बाहर कर देते हैं। भी देखो यहाँ से इथोक्साइड आयन आएगा O माइनस, ये इसका एक प्रोटॉन ले लेगा और उसका इलेक्ट्रॉन अंदर ढकेलेगा और ये बी आर को बाहर कर देगा, तो तुमको यही मिलेगा ना, आइसोब्यूटीन ही मिलेगा। यस यस सर समझा। तो व्हेनेवर यू वांट टू डू द ईथर का फॉर्मेशन ऑलवेज कीप इन माइंड योर सबस्ट्रेट शुड बी लेस क्राउडेड। अगर वो हाईली ब्रांच्ड है या क्राउडेड है तो वो ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो आपको एल्कीन दे देगा। ठीक है, यस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। 75 पे आ जाओ। विलियमसन सिंथेसिस में हमको बताना है व्हाट इज एक्टिंग एज अ अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन, ओके। सर वो 74 में हीट दिया है उसने ना, वो ए वाले में, तो वो एलिमिनेशन प्रेफर नहीं करेगा हीट के वजह से। हीट वो सर वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो प्राइमरी है ना सर, बट उस पर हीट दिया है ना। एक मिनट रुक जा। हां यहां पे देख, नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी विल फाइंड दे हैव मेंशन द हीट, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा है,
ऑप्शन बाकी जो मैच कर रहे हैं ना बी सी डी बी तो कदाचित नहीं मिलने वाला है. सी में कैसा है यू आर गोइंग टू गेट अ ईथर दैट इज करेक्ट बराबर है एक जगह से वाटर निकल जाएगा दोनों में लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशन मेंशन नहीं किया है एसिड है रूम टेम्परेचर है क्या है एरोसोल से कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये भी जो था ना इथरीफिकेशन कर सकता था दो अल्कोहल को आपस में फ्यूज करा दो तो आपको मिल जाता ये इनफैक्ट आपको तीन प्रोडक्ट देता था डाइथाइल ईथर इथाइल आइसोब्यूटाइल एंड देन दो आइसोब्यूटाइल एक साइड समझा ना यस सेल्फ सेल्फ करता था और एक क्रॉस में होता था क्रॉस और डी वाला बेबी नहीं देगा डी वाला और तुम्हारा ए वाले में कुछ फर्क नहीं है सॉरी बी वाले में तो उस हिसाब से जो है कभी भी देखो हीट लिखा है ना एरो के ऊपर तो वो ही था इसको एलिमिनेशन को प्रमोट करता है लेकिन हमारे ऑप्शन में और कुछ तो दिया ही नहीं है किधर और तो हम किसी और को सेलेक्ट भी नहीं कर सकते तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विद द ए ओनली बिकॉज यहाँ पे जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जा रहा है ठीक है यस सर समझा देखो ऑप्शन एक ही मैं इतना मान के चलता हूँ एक ही चीज को अगर आप पकड़ के चलोगे ना एमसीक्यू में तो क्रैक नहीं कर पाओगे यू हैव टू लुक आफ्टर द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ऑल द फोर आपने जिस कंसेप्ट के ऊपर इस क्वेश्चन को क्रैक किया है ना ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपको बाद में आएगा तो वहां पे हम कोई दूसरा कंसेप्ट यूज करके उसको क्रैक करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें यही रहता है कि एक कंसेप्ट के ऊपर आप हमेशा स्टिक नहीं कर सकते नाउ क्वेश्चन नंबर 76 हाँ CH2N2 का नाम क्या है भाई डायज़ोमीथेन वेरी गुड तो डायज़ोमीथेन जो होता है ये हमेशा एक कार्बन बढ़ा देता है सामने वाले को द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम डायज़ोमीथेन एंड द प्रोपेनॉल इज याद आ रहा है टेक्सटबुक का रिएक्शन है यस यस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है नोट्स दिखा लो डाइज़ोमीथेन का या फिर इसमें देखो मिलेगा HBF4 यूज होता है HBF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड फ्लोरोबोरिक एसिड यस यस HBF4 यस ठीक है सो व्हेन यू आर डूइंग द कन्वर्जन ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग द डाइज़ोमीथेन एंड द ना अल्कोहल क्योंकि देखो डाइज़ोमीथेन का इस्तेमाल कभी भी करोगे ना एक साइड में तुमको ये मिलने वाला ही है OCS3 100% आएगा ये बाय डिफॉल्ट आते हैं मतलब मिथॉक्सी तो रहने वाला ही है उसके लेफ्ट में कोई कुछ भी दूसरा ग्रुप आ जाए बट राइट साइड में यही ग्रुप आएगा नाउ क्वेश्चन नंबर 77 बॉइलिंग पॉइंट हमको क्रैक करना है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है सबसे पहले बात तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं उसके बाद उसके अंदर कितने ये हैं एटम्स है मतलब उसका साइज बड़ा है क्या ठीक है अब यहाँ पे देखा जाए तो सबसे जो बड़ा एटम है कौन सा है सर थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड वाला हाँ तो थर्ड का सबसे ज्यादा होना चाहिए उसके बाद अच्छा अभी इधर प्रॉब्लम क्या है कि थर्ड वाले को सबसे ज्यादा एक ही ऑप्शन में दिया दिख रहा है कि नहीं यस ए वाले ऑप्शन ए वाले में ही दिया है बाकी सब में थर्ड में किसी को आगे उसने लिया ही नहीं है अब प्रॉब्लम इधर ये है कि इसने CH2 यहां लिखा है इसमें कुछ तो मिसिंग है CH3 आएगा सर उधर नहीं नहीं CH3 आएगा कि CH उसके आगे और कुछ आएगा वो हमको पता नहीं है वी कैन नॉट अज्यूम तो थर्ड वाला दिया है सबसे आगे तो मैं इसी को पिकअप कर लूंगा और आगे तो उसने अगर ए बोला है तो ए में नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो यहाँ पे अगर 2 हो जाते तो इसका साइज छोटा हो जाता ना तो 2 नंबर को पहले लिखना पड़ता तो अब हमको पता नहीं सी एच के बगल में क्या है ठीक है बट कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो अपने बेनिफिट रहता है बोनस मार्क है वो बट यहाँ पे जो अपन क्रैक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड इज हाईली मैक्सिमम इसका ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट नाउ 78 पे आ जाइए द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर इन एक्वियस सॉल्वेंट इज ड्यू टू द इट्स एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना भाई अगर कोई भी पानी में डिसॉल्व हो रही है तो उसके पीछे उसको क्रेडिट जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी में ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अच्छा खासा हो जाता है। यस सर। 79 बोलिए, 79 के बारे में बता दीजिए। COC bond angle in methoxymethane is approximately 108 किसका bond angle होता है? Water का रहता है। नहीं नहीं water का नहीं, जिसका hybridization में रहता है। Yes, जिसका hybridization दो lone pair रहता है। Otherwise tetrahedral का bond angle कितना बनता है? 109 degrees 78 minutes। अभी इधर देखो नॉर्मली देखो, अगर मैंने तुम्हारे को लिख के दिया CH4, मैंने तुमको लिख के दिया अमोनिया, मैंने तुमको लिख के दिया वाटर, अभी देखो नॉर्मली जो होता है वो 109 डिग्री होता है। 109 degrees 78 minutes 32 minutes। हाँ ठीक है 78 की 18 है ऐसे कुछ तो है। अभी इधर देखो 109 डिग्री है, जब भी तो अमोनिया का बात करेगा तो अमोनिया का कितना होता है मालूम है? 107 degree 32 minutes। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, तो इसके पास दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, एक लोन पेयर नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, तो रिपल्शन जो है अच्छा खासा होगा। सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लीस्ट बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहाँ पे जो हमको मिलना चाहिए आइडियली तो इसका बनना चाहिए 109 डिग्री। 109 डिग्री तो बनने वाला नहीं है। मिथॉक्सी में 107 के आसपास होना चाहिए, कम आएगा सर उसका, 104 के आसपास नहीं होगा। एक मिनट रुक जा, मिथॉक्सी मीथेन बोला है उसने तो 109 आइडियली होता है, ये भी नहीं रहेगा 108 104। इधर हाइड्रोजन था ना, इसके लिए इसका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उतना रिपल्शन नहीं होता, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। ठीक है, बहुत क्लोज क्लोज दिया है इसको, जरा देखना पड़ेगा व्हाट इज एक्चुअली वैल्यू। बिकॉज दे हैव गिवन 108 109 110 111, काफ़ी क्लोज है ये, बट इतना तो श्योर है 109 नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। सर 110 है, 110 लिखा है टेक्सटबुक में, टेक्सटबुक में मेंशन है, तो 110 ही रहेगा फिर। सर 104 होना चाहिए क्योंकि दो लोन। 104 किधर दिया देखो ऑप्शन में? हाँ 104 किधर दिया ऑप्शन में बता? नहीं दिया। हाँ तो जबरदस्ती लिखेगा H2 का 104 इसलिए। अरे मेरे भाई इधर हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और इसके बीच में जो रिपल्शन होगा मीथेन का और लोन पेयर का, वो अलग अलग है, तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता है। ठीक है समझा। हाँ तो टेक्स्ट बुक में 110 दिया है, तो 110 को टिक कर लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड द बेसिस, ईथर हैज व्हाट? बेसिक इन नेचर। वेरी गुड, दो लोन पेयर रहते हैं। अच्छा वो लोन पेयर ले नहीं सकता क्या भाई? लोन पेयर तो ले भी तो सकता है, अगर वो लोन पेयर लेगा तो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। एसिड बन जाएगा। हाँ बोलिए 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 सर। बेसिक क्या आएगा? एसिड बनेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा। अरे मैंने वही तो तुमको क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने बोला वो बेसिक बनेगा, तो मैंने क्या पूछा? एसिडिक नहीं बन सकता क्या? एसिडिक जैसे वो लोन पेयर दे सकता है तो ले क्यों नहीं सकता? नहीं आ रहा भाई, इधर देखिए ये है आपका ईथर। अब ईथर को एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगा तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन उसको नेगेटिव चार्ज और दो बॉन्ड नहीं चलता ना भाई, उसको अनस्टेबल होते हो, उसके पास उतना जगह नहीं इलेक्ट्रॉन रखने का। तो ये तीन लोन पेयर अभी लेके चल सकता है, एक बॉन्ड और तीन लोन पेयर चलेगा, दो बॉन्ड और तीन लोन पेयर नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ तो ये सब बेसिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा अभी मैं थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चन पे जाऊंगा।
सीधा मैंने क्वेश्चन नंबर 84 को पिकअप किया, इसके ऊपर का हुआ है क्या अपना? हाँ हुआ है। चलो फाइंड द इनकरेक्ट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। चलो नोटबुक निकालिए, नोटबुक में लिखिए रिएक्शंस, फिर बताइए मेरे को। चलिए स्टार्ट करिए, फंडामेंटली अप्लाई कर रहे हैं। एवरीवन इनकरेक्ट बोला उसने, इनकरेक्ट। सर फर्स्ट और थर्ड आएगा, फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट है सर। सॉरी फर्स्ट और फोर्थ आएगा, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ क्या इनकरेक्ट है? डी ऑप्शन बोल रहा है तू? नहीं वो तो गलत सर, नहीं सर, नहीं सर, पहला तो सही है भाई। फर्स्ट जो है मतलब इनकरेक्ट होना, मतलब वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इज द इनकरेक्ट वन, सो दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड आएगा, फर्स्ट और थर्ड। आयोडीन sp2 हाइब्रिडाइज में जा रहा है और थर्ड में आयोडीन जा रहा है सर। वो थर्ड में आयोडीन इधर टर्शियरी में लगना चाहिए था, मतलब तुम्हारे हिसाब से ये रॉन्ग है। यस, प्रोटोनेशन करके वाटर निकाला, टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, फिर इसको आई लगा देने का था, बराबर है। सो 1 एंड 3, यस, वेरी गुड। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फंडामेंटल ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पे किया है इसको हम लोगों ने, इसको कोई रट्टा मारने के लिए इसको कोई इसके लिए नियम कायदा नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। पक्का? यस सर। सर ऐसा रहेगा, अगर इसके अंदर दो ऐसा अल्काइल रहेगा, मतलब एक इथॉक्सी प्रोपेन रहेगा, तो आई किसके पास जाएगा? एक इथॉक्सी रहेगा और एक इथॉक्सी प्रोपेन। हाँ तो तुम ज्यादा स्टेबल किसको मान रहे हो? विच कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इथॉक्सी और प्रोपॉक्सी? प्रोपॉक्सी। हाँ तो चार का तीन कार्बन रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, तो उसको चिपका देने का आयोडीन। यस सर, समझा। चलो क्वेश्चन नंबर 85 जेई 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं दिया गया इसने, नहीं दिया है, चलो बहुत बढ़िया। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग कंडीशन। हाँ ये भी सिंपल ही है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो कंडीशन एसिडिक है, कंडीशन क्या है? एसिडिक है। तो तुम मेरे को बोलो, यहाँ पे तुमको दो ऑक्सीजन दिया है, क्या दिया है? दो ऑक्सीजन उसने करके दिया है। तो बच्चा बोलेगा मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, सो दैट आई व्हेन आई से यू विल फाइंड इट इजी। एक नंबर ऑक्सीजन और दो नंबर ऑक्सीजन। तो अब जो ये एच आई है वो एक नंबर वाले के ऊपर जाना प्रीफर करेगा कि दो नंबर वाले के पास जाना प्रीफर करेगा कि दोनों के पास जाएगा? सर वो दो नंबर के पास जाएगा, वन नंबर का वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा एक नंबर पे जाएगा, पगले। एक नंबर पे जाके ब्रेक करके फिनॉल बना देगा, फिनॉल इज एन एरोमेटिक। इसका ऑप्शन दिया है क्या? हाँ दिया है। हाँ तो इधर देख, OH बना देगा ना, OH इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बेंजीन रिंग ना, इट इज एन एरोमेटिक सिस्टम, इट इज एन एरोमेटिक। ये निकल गया, ये निकल गया, अब बच रहा तेरा A और D। समझ में आ रही बात? सर नहीं, सर नो, नहीं समझा। ओके अभी तुमने जो बोला कि सर ये जो है मैं उसका एरोमेटिक का एक लोन पर ऑक्सीजन का एक लोन पर रेजोनेंस में घूम रहा था, उसके ऊपर मैं नहीं लगा सकता, वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। तो इधर देखिए, अभी इसको मैं इधर लिख के देता हूँ, जस्ट वन मिनट, लेट मी स्क्रॉल दिस। सर अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कॉन्सेप्ट में जाने का ना। तो पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ, यहाँ पे तुमको एचआई की बात करनी है। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो ये एच आई ब्रेक करेगा और ये प्रोटॉन दे देगा। अब यहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, कम लिया है कि ज़्यादा लिया है, बट उसने हीट किया है। हीट किया मतलब एच आई दोबारा पिक्चर में आ जाएगा। तो इधर देखो, तो इसको प्रोटोनेशन करेंगे और इसको भी प्रोटोनेशन करेंगे, दोनों को लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो अभी ये जो है एक नंबर वाला ऑक्सीजन
और दो नंबर वाला ऑक्सीजन, तो एक नंबर वाला ऑक्सीजन जो है ना राइट वाला बॉन्ड टूटेगा कि लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटेगा? राइट वाला बॉन्ड मतलब ये लेफ्ट वाला तोड़ेगा, राइट वाला बॉन्ड तोड़ेगा, राइट वाला, हाँ राइट वाला ब्रेक करेगा, लेफ्ट वाला तोड़ेगा तो बेंजीन से OH निकल गया ना, अरे तो उसका फिनॉल कैरेक्टर हट गया, तो वो क्या सोचेगा मैं एक राइट वाला बॉन्ड तोड़ता हूँ तो ये बना देगा वो OH, और ऊपर ऊपर इनफैक्ट वो लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ेगा, यस सर लेफ्ट वाला ये तोड़ेगा, तो फिर इधर I माइनस घूम रहा है, I माइनस अटैक मार देगा, so we are going to get this isopropyl iodide और ये आपका लग गया OH, ऐसा कुछ तो हमको मिलेगा, ठीक है? Now let me see is it given in option anywhere A B C D में से? D option में दिया है। हाँ। D. Yes. ठीक है? तो जे का क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है ये 2018 में। सर अगर एक ही मॉलिक्यूल लिया HI का, हाँ, तो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का कांसेप्ट लगेगा ना? हाँ, तो नहीं नहीं तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसे ऊपर आता है, देख एरोमेटिक डेंसिटी सबसे टॉप पे आता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और एरोमेटिसिटी को साइड में उसको हटा दे, तो सीधा सीधा किसके ऊपर फोकस करेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है? अगर एक ही HI देता तो तू क्या बोलता, अटैक एक नंबर के ऊपर कराता कि दो नंबर के ऊपर? बोल, वन नंबर पे आएगा। हाँ, क्योंकि एक नंबर पे अटैक कराने के बाद जो तुमको इंटरमीडिएट मिल रहा है ना वो फिनॉल है, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो फिनॉल है, वो एरोमेटिक है, तो मैं उसी के साथ जाना प्रीफर करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 के नीचे दिया है 89, अच्छा चलो 89 कर लेते हैं, फिर ऊपर जाता हूँ मैं। वेरी गुड क्वेश्चन 2018, देख आधा क्वेश्चन था बड़ा देख के डर जाते हैं यार, आधा पेज का क्वेश्चन है इसको कौन करेगा, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू जस्ट फोकस। फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरो फॉर्मेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म अ प्रोडक्ट ए, ए रिएक्ट विद द ब्रोमीन टू फॉर्म प्रोडक्ट बी, तो ए और बी उसने रेस्पेक्टिवली पूछा है, ठीक है? सो यहाँ पर जो है क्लोरोफॉर्मेट, एक हाँ एक ये रहेगा तेरा, जैसे तू इसको लिखता है ना CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे एक ही तुम्हारा बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, सॉरी सी एच बॉन्ड सी एल फिनॉल रिएक्ट विद, अच्छा मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट है, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट है CH3C डबल बॉन्ड O, ये इस्टर है बेसिकली, ठीक है? एक मिनट रुको, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, इफ आई लुक एट द ऑप्शन, फिनॉल है एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में मैंने इसका रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से लॉस कर जाएगा ये Cl, सो OH, एक मिनट, यहाँ से लॉस करेगा एक मिनट रुक जा, अभी फिनॉल इसमें रिएक्ट कर रहा है OH, नाउ अब क्लोरोफॉर्मेट का जो रिएक्शन था CH3 ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, इस तरह ही है, इसके पहले जो मैंने बनाया था वो उल्टा बना, वो ऑक्सीजन को उधर लिया था शायद, सो दिस इज द क्लोरोफॉर्मेट, अभी इसके साथ में इसका रिएक्शन करवा दिया फिनॉल का, तो ये यहाँ से Cl को हटाएगा वो, और कंडीशन कुछ मेंशन किया, हाँ बेस भी लिया उसने NaOH, हाँ तो बेस सबसे पहले क्या करेगा OH का H को हटा देगा, फिनॉल का H को हटाएगा, ठीक है? तो ये बना देगा फिनॉक्साइड आयन, क्या बनाएगा? फिनॉक्साइड आयन, अब ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो क्लोरीन का बगल में जो कार्बन है ना उसके ऊपर अटैक मारेगा,
और ये ऊपर जाएगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और ये सीएल निकल जाएगा, ठीक है। सो फाइनली वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस प्रोडक्ट सी एच थ्री ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड दिस फिनाइल रिंग। बात समझ में आ रही है? अब आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो? ब्रोमीन ऐड कर रहे हो। तो जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे ये तेरा ए प्रोडक्ट हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ आएगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ आएगा ना, ओ फिनाइल आएगा, फिनॉक्साइड का ऑक्सीजन रहेगा ना। हाँ बराबर, इधर पे कुछ तो मैंने मिस किया क्या? हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाँ इधर ऑक्सीजन भी रहेगा बीच में, बराबर है, गुड। सो आफ्टर दिस व्हाट यू आर डूइंग हियर, आपको वो रिएक्शन, एक रिएक्शन आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग ये, वो अभी शायद आएगा नहीं, ब्रोमीन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो अभी वो अटैक ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा। तो देखो जब आप इस प्रोडक्ट को देखते हो, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ सी एच थ्री। तो जब आप इसके ऊपर ऐड करोगे ब्रोमीन, तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्थो पे अटैक मारे या तो पैरा पे अटैक मारे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो ऑर्थो वाला होगा इधर पे अटैक होने का चांसेस इसका बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रुप लगा ना ये बहुत बड़ा ग्रुप है, स्टेरिक हिंडर्ड है। हाँ इसको मैंने सीधा लिखा है, बट ऐसा सीधा नहीं रहता ये, ठीक है। इट इज़ लाइक वेरी मच टेट्राहेड्रल फॉर्म में, तो ये ब्लॉक कर देगा। तो सीधा पैरा पोजिशन पे वो अटैक मारने के लिए सक्षम है, तो पैरा वाला अपन करा लेंगे अटैक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बन रहा है, ए हट गया तुम्हारा, हाँ बी भी हट गया, बी का ये राइट है लेकिन ये गलत है, दिस इज द ओके एंड वन टू थ्री, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट सबको समझा ये क्वेश्चन? नहीं समझा तुमको? ओके और किसको नहीं समझा? नहीं समझा सर। ओके सबसे पहले आपने को यहाँ पे कंडीशन जो मेंशन किया उसको समझना पड़ेगा, एंड उससे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर्स। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ध्यान देना आप लोग। यहाँ देखिए फिनॉल रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का स्ट्रक्चर। अभी इसके ऊपर हमने क्या ऐड किया है? वी हैव एडेड अ बेस। अब बेस जब आएगा तो वो फिनॉल के साथ में रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन बना देगा, ये आपने अल्कोहल चैप्टर फिनॉल में पढ़ा है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू फिनॉक्साइड आयन, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये देख रहा है कहीं भी पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है क्या मुझे? तो जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है वो उसके ऊपर अटैक करेगा। एक मिनट रुको जरा, माइक किसका चालू है? सो दिस इज गोइंग टू मेक एन अटैक ओवर दिस कार्बन एंड दिस पाई बॉन्ड विल गो अप। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट सी एच थ्री ओ बॉन्ड सी ओ नेगेटिव ओ, और ये हो गया आपका फिनाइल थिंग, और बगल में हो जाएगा सीएल। तो अभी देखो हैलोजन्स आर द गुड लिविंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन का लोन पर अंदर आएगा और ये यहाँ से सीएल निकल जाएगा, और ये जो सीएल निकलेगा वो एच के साथ में कंबाइन कर लेगा, एचसीएल बन जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, नीचे लिख रहा हूँ मैं, सी एच थ्री ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ बॉन्ड फिनाइल रिंग, ये तुम्हारा ए ऑप्शन है। अभी इस ए के ऊपर तुमने ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो ब्रोमीन इज लुकिंग फॉर द पॉजिटिव, इज लुकिंग फॉर द ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन, तो ऑर्थो वाला जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, सो विच इज वेरी मच बल्की इन द नेचर। तो ये पोजीशन दोनों ब्लॉक हो जाएगी, पैरा पोजीशन पे वो अटैक मारेगा। सो दैट्स, इसमें थोड़ा सा और डेटा इनसफिशियंट है, ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, आई मीन बच्चे जो हैं इसको तुक्का ही मारे रहेंगे।
क्योंकि जिसको समझा नहीं ना ऑर्गेनिक ये कर ही नहीं पाएगा इसको, तो वो सोचेगा यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है छोड़ दो आगे बढ़ो ऐसा। अब उन स्ट्रक्चर देख के ही डर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 और 87 बताइए जरा। एटी सेवन पहले बता दीजिए। नेटलाइट, नेटलाइट क्या होता है? नेटलाइट एक प्रकार का ये है, तुम इसमें यूज करते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ठीक है बताता हूँ मैं इसका मिक्सचर क्या है। इस मिक्सचर डाइथाइल ईथर, सही है डाइथाइल ईथर तो दिया है उसने, एंड अल्कोहल मिला देते उसके अंदर। अल्कोहल किधर दिया है? हाँ अल्कोहल बी ऑप्शन। ठीक है अभी देखो बहुत लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, पेट्रोल के अंदर अल्कोहल मिला देते हैं, गाँव में मिला देते हैं। अल्कोहल सस्ता मिलता है ना, पेट्रोल अभी 100 रुपए के ऊपर हो गए तो अल्कोहल मिला के गाड़ी चलाते हैं, उससे क्या होता है इंजन खराब हो जाता है और कुछ नहीं होता है। बट नेटलाइट मिक्सचर यूज करोगे तो मतलब वो, अब मैं बोल नहीं सकता वो अच्छा है कि खराब है, बट ईथर उससे भी महंगा आता है। ईथर इज नॉट सो ये इजिली अवेलेबल एंड ईथर इज हाईली वोलेटाइल ऑल्सो, बट एज अ सब्स्टिट्यूएंट दे कैन यूज नेटलाइट फ्यूल, दैट इज अ पेट्रोल एंड द डाइथाइल ईथर। लिख लेना इसको, नेटलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल। 88 पे आ जाइए। रेडी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 2-chloro, हाँ इसका आंसर आना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज दे हैव गिवन द वेरी कॉम्प्लेक्स। चलिए ट्राई करिए। किसी को आ रहा है भाई? छह कार्बन देख लो। बी ऑप्शन आ रहा है सर, बी ऑप्शन। वन एक मिनट रुको, 1, 2, 3 एक नंबर, दो नंबर, हाँ बराबर, तीन नंबर पे डबल बॉन्ड है, दो नंबर पे तुम्हारा आपका क्लोरो है, और एक नंबर पे ओएच है, और तीन नंबर पे वाइन। ठीक है चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 91 नीट 2016 का 17 का क्वेश्चन है। हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद एच आई, फिनाइल मिथाइल ईथर है एच आई, चलो ओवरली इसका आंसर आ जाना चाहिए। एक तरफ फिनाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो इसको हीट करोगे एच आई के साथ में तो प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्टेड है? ये इसने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब वो मेजर का ही बात कर रहा है। सर फिनॉल देगा, फिनॉल, वेरी गुड, फिनॉल, बिकॉज फिनॉल इज गोइंग टू बी एन एरोमेटिक सिस्टम, वेरी गुड। चलो अभी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दोज़ हू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये मिथाइल है और ये आपका फिनाइल है। अब आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, यू आर पासिंग हियर एच आई, तो एच आई इज एन एसिड, सो व्हाट इट विल डू, इट विल डू द प्रोटोनेशन, तो प्रोटोनेशन करने के बाद आपको ये बना कर दे देगा सी एच थ्री ओ बॉन्ड एच विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड देन फिनाइल। ठीक है भाई, अब भाई इसको राइट वाला बॉन्ड तोड़ना है कि लेफ्ट वाला तोड़ना है उसको स्टेबिलिटी डिसाइड करती है, तो लेफ्ट वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और फिनॉल बना के निकाल देगा, फिनॉल बनाएगा ये और CH3I, CH3I। ठीक है भाई, यस सर। क्वेश्चन नंबर 91 इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, विलियमसन सिंथेसिस, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत सही सर। वो क्या है विलियमसन कंटीन्यूअस एस्टरीफिकेशन प्रोसेस? एस्टरीफिकेशन जो होता है जब तुम इसको एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे तो वो एस्टरीफिकेशन है, बट उसका नाम विलियमसन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इटार्ड रिएक्शन नीचे वाला क्या, कौन सा है, क्या बोल रहे हो सर? उसके नीचे वाला वो विलियमसन कंटीन्यूअस इटार्ड रिएक्शन आपको मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर, और वो भी गटरमैन कॉच रिएक्शन भी आपको उधर ही मिलेगा। हाँ सर, वही पूछ रहा था उस दिन में, गटरमैन कॉच रिएक्शन।
हाँ तो अभी तुम लोग दो कदम आगे वाला भी पूछोगे, आएगा, थोड़ा सब्र रखो, आएगा। सर फ्रैंकलिन रिएक्शन भी सर, इंग्लैंड की फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन हाँ वो भी एक नेम रिएक्शन है, वो भी एक नेम रिएक्शन है। ठीक है तो फ्लो में जो आते जाएंगे अपन डिस्कस करते जाएंगे, टेंशन मतलब उसका। अब अपन ये पढ़ रहे हैं, तुम सीधा आगे का बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए, नीट 2016 का क्वेश्चन है। साइक्लोपेंटेनॉल दिया है, फिर आपने क्या ऐड कर दिया उसके अंदर? वेरी गुड, दिस इज द अगेन विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, मैकेनिज्म दिया है, मैकेनिज्म। हाँ अच्छा मेरे को बताइए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? सर SN1 ने इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। SN1 कहाँ पे SN1 बनेगा रे पगले? SN2 है ये, जरा पहला वाला कैसा है ना, ये रिएक्ट करके साइक्लोपेंटेन फिन साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड बना देगा। अब ये साइक्लोपेंटेन ऑक्साइड बना दिया ना, तो अभी सीधा ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना मिथाइल आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड ये अटैक मारेगा इधर से और आयोडीन को ढकेल देगा। सो दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, सो इट इज SN2। ठीक है, मतलब तेरा रिएक्टेंट के ऊपर अटैक हो रहा है तब की बात कर, तू साइक्लोपेंटेनॉल के ऊपर जो ने बेस रिएक्ट करा के तूने बोल दिया कि ये इंटरमीडिएट है। नहीं नहीं भाई, अब वो जब सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है रिएजेंट, वो टाइम पे देखने का, रिएजेंट अलग हो गया था, सबस्ट्रेट वही पॉजिटिव चार्ज बना के अलग बैठा है, नेगेटिव चार्ज बना के अलग बैठा है, तब अटैक हो रहा है क्या, तब बोलने का वो SN1 है कि SN2 है। जब रिएक्ट सबस्ट्रेट के ऊपर बॉन्ड फटाक से बन रहा है और टूट रहा है तो वो तो SN2 हो जाएगा। 93 क्वेश्चन नंबर 93, जस्ट टेल मी दिस ऑल्सो। बोलिए बोलिए बोलिए। 2-chloromethylpentane है, 5 कार्बन बना लो, 2 नंबर पे क्लोरीन लगा दो, 2 नंबर पे मिथाइल लगा दो, ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेथॉक्साइड एंड R, सोडियम मेथॉक्साइड है ना, CH3ONa ले लो। ठीक है, और आपने सॉल्वेंट ले लिया यहाँ पे ये, दिस इज द फर्स्ट वाला बनेगा इधर। अच्छा देखो अभी एक काम की चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है कि सेकेंडरी है, क्या बोलते हो? दिस अल्काइल हैलाइड विच यू हैव गॉट इट, इज इट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी? टर्शियरी है, टर्शियरी, दिस इज द टर्शियरी। ओके तो अभी यहाँ पे जो है मिथेनॉल, दो ऑप्शन बन सकता है, दो क्या है इनफेक्ट सब बन सकता है। उसने मेजर के बारे में पूछा है क्या? ऐसा कुछ बोला नहीं है क्योंकि उसने ऑप्शन में सब, तो देखो ये Cl को हटा कर ये Na हटा दो, ये चिपका दो, ये बन सकता है, और फिर वो क्या कर सकता है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, एलिमिनेशन एलिमिनेशन हो जाएगा। हाँ तो एलिमिनेशन करके एक बार डबल बॉन्ड राइट साइड वाले को लगा दो, एक बार लेफ्ट वाले को लगा दो, तो यू कैन हैव ऑल द 3 पॉसिबिलिटी हियर, you can have all the 3 possibility here. If they ask which is the bulky one, so I will go with the, which is the major one, then I will go with the, this one, third one. ये third only कब मिलेगा मालूम है? जब उसने क्या बोला, third only मिलने का तो chance ही नहीं है, वो बोलता only major product कौन सा है, तो अपन third के साथ में जाते थे। यहाँ पे बात क्या चल रही है, possible products, option में 1, 2, 3 दिया, तो तीनों possible product है, major का बात ही नहीं किया, major बोलता तो मैं third के साथ में जाता। So right A is the right option. Question को इसके लिए इतना sincerely पढ़ना पड़ता है, answer आपको आता है but question का reading आपने wrong कर दिया ना, आते हुए question minus में चले जाओगे। Now question number 94, NBS, NBS का full form किसी को याद आ रहा है? Bromosuccinamide। हाँ very good, उसका काम क्या है भाई, काम भी कुछ बता दे। लेकिन बेंजोइक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। हाँ तो
यहाँ पे जो है, हाँ ये फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू ही जाता है। yes. ब्रोमीन और उसने सॉल्वेंट क्या क्या मेंशन किया इसने, 2016 का क्वेश्चन है ये। हाँ वाटर ऐड किया है और उसके बाद फिर K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट ऐड किया है। अच्छा वाटर लिया है तो उसने वहाँ पे OH आ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, वेयर इज दैट, देखो एलाइलिक पे तुमको OH किधर दिख रहा है वही कार्बन रहेगा इसमें, वही इसका ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो BR को लगाता है, BR के बाद उसने क्या यूज़ किया, वाटर यूज़ किया, तो BR को हटा के वो वाटर आ जाएगा उसकी जगह पे, OH आ जाएगा। ये फॉलो करेगा इंटरमीडिएट रेडिकल के थ्रू जाएगा, सो आई विल गो विद ऑप्शन बी, बिकॉज पहले जब उसने यूज़ किया NBS, ठीक है, तो NBS बनाएगा तो मैं एलाइलिक पोजीशन पे क्या कर देगा, ब्रोमिनेशन कर देगा, ये जस्ट मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ, इसका अपना मैकेनिज्म है। फिर BR को हटा के उसने वाटर मिला दिया है तो उसकी जगह पे OH लगा दो, व्हिच इज गिवन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बताना। हाँ इसका मैकेनिज्म है, देख पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट में क्या होगा, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन कौन सी जगह पे होगा, एलाइलिक या बेंजाइल पे होगा, तो यहाँ पे बेंजाइल दिया नहीं था, एलाइल दिया था, तो एलाइल के ऊपर मैंने BR को लगा दिया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के आगे वाले कार्बन के ऊपर BR लगा दिया। अच्छा अब अगर वहीं पे रोक देता रिएक्शन तो ऑप्शन में देखते BR कहीं दिख रहेगा, BR कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन में क्या दिया उसने, एलाइलिक पोजीशन के ऊपर OH लगा के दिया है, तो उसने क्या किया था बाद में, वाटर ऐड किया है। यस सर, ठीक है, तो वाटर ऐड किया, तो मैंने शॉर्टकट दिया है, इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बताता हूँ मैं, रुको एक मिनट रुक जाओ, जरा इसको जरा हटाने दो, सब एक के पीछे एक आ गया है। हाँ तो मैं ये बोल बात कर रहा था कि जब आप ब्रोमिनेशन करोगे ओवर द एलाइलिक पोजीशन तो वो NBS आपका ये एलाइलिक पोजीशन पे वो BR लगा देगा, बात समझ में आ रही है। यस यस सर, जब वो उसके ऊपर लगा देगा तो वहाँ से जस्ट वन मिनट, एक मिनट रुक जाए जरा, उसका आंसर जरा चेक करना एक बार, बी दिया कि कुछ और दिया, मेरे सबसे तो बी होना चाहिए, बट मैकेनिज्म जो है रेडिकल के थ्रू जाएगा, मैकेनिज्म जरा मैं अभी बाद में ट्राई करता हूँ, ठीक है, 2016-17 में पूछा था इसको। सर बी ऑप्शन ही है। हाँ तो लॉजिकली उससे से बी किया मैंने, इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को भेजता हूँ, ठीक है, मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिनॉल आर एसिडिक हेंस आर टर्निंग ब्लू लिटमस टू द रेड, सत्य वचन है भाई, अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद NaOH, क्या बोलते हो भाई, रिएक्ट करता है ना अल्कोहल, अभी इसके इसके पहले हम लोगों ने जो किया था ये डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। यस सर, तो मतलब यहाँ पे कैसा है ना कि सही मानेंगे इसको हम लोग, समझ आ रहा है कि नहीं, yes, not react, yes, हाँ, yes, नहीं करता भाई, नहीं करता ये। तो फिनॉल नेक्स्ट क्या है, मिथाइल फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव, हाँ ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये इनकरेक्ट है,
FeCl3 से मिथाइल फिनॉल बोला है, तो ये मिथाइल फिनॉल मतलब क्या हो गया ना, फिनाइल मिथेनॉल मतलब ये अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल तो FeCl3 से कभी नहीं रिएक्ट करेगा, किसी भी कीमत पे रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट है। यस यस। अच्छा इसके पहले देखो, अभी एक क्वेश्चन में हम लोगों ने NaOH का रिएक्शन दोनों से करवाया था, दोनों से नहीं करवाया था एक्चुअली, डिस्क्रिमिनेशन में करवाया था। तो फिनॉल से ही बेसिकली रिएक्ट करता है, अल्कोहल से तो रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके सो राइट ऑप्शन विल बी द हियर सी। बराबर है? हाँ या ना? अच्छा यस यस सर। अगले पे आ जाओ। 96 The compound A on treatment with the Na gives B PCl, okay, diethyl ether, ठीक है, A B C R in the order of, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो पाँच पाँच, इसमें ऑप्शन है ना, एक गड़बड़ दिया उसने। ऑप्शन जो सी है उसने C5H5Cl लिखा है। क्या लिखा है? C5H5Cl। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ऑप्शन जो सी है उसने क्या लिखा है? C5H5Cl लिखा है। यस 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 सर। वो तो हजम होने वाली बात नहीं, तो ऑप्शन सी को हटा दो पहले ही। ठीक है, अब बच रहा है ए बी सी। अभी ए बी सी तीनों सेम है, ए सी डी तीनों सेम है, इथाइल इथाइल इथाइल, तो ए तो श्योर है इथाइल अल्कोहल है। अब क्या किया तुमने, ए के ऊपर तुमने जो सोडियम मेटल ऐड कर दिया तो उसने किया बी, बी दिया तो मतलब बी के साथ में क्या हो रहा है, अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा फिर, सिंपल सी बात है। यस। फिर उसके ऊपर आपने क्या ऐड किया, PCl5 ऐड किया, तो PCl5 ऐड करोगे तो क्या करेगा वो, क्लोराइड निकाल देगा। हाँ, तो इथाइल इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड बन रहा है। तो ए इथाइल है अल्कोहल है, और जो तुम्हारा सी है वो इथाइल क्लोराइड है। अब बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर। तो जब दो सी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सी रिएक्ट टुगेदर, सर दोनों के दोनों मतलब, सॉरी बी एंड सी, बी एंड सी। हाँ बराबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डी आएगा सर। ठीक है, ये डी कहाँ से करा है? इसने क्या बोल रहा है, बी और सी को जब तुम आपस में रिएक्ट करोगे तो क्या देता है, डाइथाइल ईथर देता है ना। तो ये अगर तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, तो दोनों को कंबाइन करा दो तो क्या मिल जाएगा, डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। ठीक है, अदरवाइज डाउट ये आता है कि जो तुम्हारा बी ऑप्शन है वो तुम्हारा वर्ड्स रिएक्शन तो नहीं जा रहा है। अगर बी तुम्हारा वर्ड्स फॉलो करेगा तो ये जो ये स्टेटमेंट फुलफिल नहीं होगा, फिर बी एंड सी विल गिव यू द डाइथाइल ईथर, तो वो फुलफिल डी से ही होगा। यस, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, तो अभी अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम तक ही अपन पहुंचे नहीं है, उसको दो एक एक लेक्चर दो लेक्चर जो भी जाएगा अच्छे से करते हैं कमिंग सेशन में। ठीक है, NBS वाला मैं मैकेनिज्म अभी सॉल्व करके देता हूँ, शाम तक मिल जाएगा, अभी कॉलेज का लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अगले सेशन में मिलते हैं, आगे का सॉल्व करेंगे आप लोग।